दिल्ली का क्या? दिल्ली में आकार मत जाएगा और मोदी जी आ जाएंगे। राहुल गांधी को कुछ आता जाता है नहीं, तो ऐसे ही नीतीश कुमार है, वो तो दल बदल हुआ है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जहाँ लोटा ढकेगा वहीं चला जाएगा। ममता दीदी, वो तो मुसलमानों के साथ भी। अब सबको बंद करा रहे हैं और क्या जी, केजरीवाल को अंदर डाल दिया। मोदी जी वो इंसान नहीं है और अभी वो मेरे ख्याल से कोई ऐसा है ही नहीं। मोदी जी बहुत ज्यादा करप्ट है। लोकसभा चुनावों की आहट तो आप सुन ही रहे होंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से वोटों की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 7 चरण में ये चुनाव होने हैं, जिसका नतीजा जो है वो 4 जून को आएगा। हम लोग इस वक्त दिल्ली के मायापुरी में मौजूद हैं, जहाँ पर आखिर इलेक्शंस को लेकर माहौल क्या है आखिर, और जनता क्या चाहती है कि अब की बार क्या मुद्दे हैं उनके पास, किसकी सरकार वो बनवाना चाहती है, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग आम जनता से संवाद करने की कोशिश करेंगे। हम लोग दिल्ली के मायापुरी में इस वक्त मौजूद हैं। चलिए जनता से बातचीत करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? नवीन विक्रम सिंह। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? जौनपुर। क्या माहौल है अब चुनाव है तो, क्या लग रहा है, हवा कहाँ है? मोदी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। जनता साथ है मोदी जी? हाँ, 100%। आपको क्या लगता है, आप देंगे मोदी जी को? 100% कभी दूसरे को वोट दिया ही नहीं, ओनली मोदी। क्यों, मोदी जी के अलावा कोई है नहीं क्या टक्कर में? ना। अरे राहुल गांधी हैं, क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को कुछ आता जाता है नहीं, क्यों? ऐसे ही तो नीतीश कुमार है फिर, वो तो दल बदल हुआ है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जहाँ लोटा ढकेगा वहीं चला जाएगा। ममता दीदी, वो तो मुसलमानों के साथ भी, तो इसीलिए वोट नहीं डालेंगे मुसलमानों के साथ? मतलब अब की बार बीजेपी के 400 पार हैं? 100%। इधर आइए, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, सुरमा तो बड़ा अच्छा लगा है। बहुत अच्छा है ही। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। राजस्थान के जी। क्या लग रहा है, हवा कहाँ है अब की बार? मोदी जी की तरफ है हवा, तो हवा मोदी जी की तरफ है। बिल्कुल यस। क्यों, अच्छा लगता है? क्या काम करा है ऐसा मोदी जी? उन्होंने बहुत कुछ किया है, सारा काम। जैसे आप एक आधा बता दीजिए। हमारे लिए भी किया, औरों के लिए भी काम किया, सबका विकास, सबका साथ, और मकान सब कुछ दे रहा है। हमें मकान मिला। अच्छा। हमें मकान बना के दिया। मकान मिला? हाँ। क्या बात है, दिल्ली में मकान मिला? नहीं दिल्ली में नहीं, गाँव में मिला। गाँव में मिला? हाँ। मतलब मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं। केजरीवाल हैं अभी यार जेल से, जेल में चले गए वो, तो जेल से सरकार चला रहे ना वो, देखिए नोटिस। नहीं उन्होंने तो नहीं नहीं उन्होंने तो इस्तीफा भी दे दिया है, उनकी घरवाली आ गई है। हाँ, इस्तीफा देने वाले हैं, आज नहीं तो कल दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन तो फिर दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली का क्या? दिल्ली में आकार मच जाएगा और मोदी जी आ जाएंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। बढ़िया है, बोलिए। कहाँ से? मुझे मायापुरी से। पीछे से कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? हम कहाँ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हैं। अरे यूपी से। जी बोलिए। क्या करते हैं यहाँ पर? अरे बात तो बताओ मैम, क्या? अच्छा, सीधा सीधा, अब चुनाव है। चुनाव है, क्या लग रहा है, हवा किधर है, माहौल क्या है? अब मैम क्या माहौल बताएं आपको, सही है, अच्छा चल रहा है, मोदी बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, कौन आएगा अब की बार, किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं आप? मोदी आएंगे और क्या, कौन आएगा? मोदी आएंगे। हाँ, क्या काम कर दिया मोदी? ऐसा चल रहा है कि भाई मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी जी क्यों आएंगे, ऐसा क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? अब सबको बंद करा रहे हैं और क्या जी, केजरीवाल को अंदर डाल दिया। दिल्ली का क्या अब होगा, क्या दिल्ली का फिर जब केजरीवाल अंदर चले? भाई जो क्या कहते हैं, गलत करता है वो, अब समझ में तो ये आ रही है कि भाई पहले से नहीं कुछ हो रहा था, अब कुछ ऐसा लग रहा है कि मामला गड़बड़ चल रहा है, तो अंदर गए हैं। हाँ, कुछ तो बात है ही मैडम। मोदी के टक्कर में कोई है, मानते हैं आप? मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, कोई ना इंसान है ऐसा, न कोई हो सकता है। बड़ी बात बोल दी आपने, क्यों राहुल गांधी तो हैं यार? नहीं, चेहरा नहीं है ना जी, मोदी जितनी ताकत, मोदी जितनी पावर नहीं है ना राहुल गांधी में। हाँ जी, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं, वो जीरो है और वो हीरो है। अच्छा। तो फिर ताकत भी तो होनी चाहिए ना। केजरीवाल लेकिन बन सकते हैं क्या? नहीं, केजरीवाल जी शहर शहर घूम सकते हैं, देश नहीं घूम सकते। अच्छा। हाँ जी, इसलिए केजरीवाल जी में भी वो पावर नहीं है। हाँ जी, केजरीवाल भी जीरो है मोदी के सामने। बीजेपी के 400 पार हैं, आपके पास जनता करवाएगी 400 पार? बीजेपी 400 पार।
हम भी बीजेपी के साथ हैं। अच्छा। हाँ जी, वोट डालेंगे बीजेपी? बीजेपी। वोट क्या करते हैं? यही काम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी में कहाँ से? अयोध्या। अयोध्या, राम मंदिर। मजा आया फिर? मजा है। मजा आया, दर्शन कर आए एक बार भी? हाँ हाँ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। किसने बनवाया मंदिर? मंदिर किसने बनवाया? सरकार बनवाया, मोदी जी ने बनवाया? मैं ये नहीं कह सकता हूँ। सरकार का सबकी मदद हुई, सब पब्लिक की मदद हुई तब बना। तब भाई उनका भी जोर था, पब्लिक का भी जोर था, सबका जोर था। अच्छा। सब अगर वोट देते हैं तब प्रधान लोग बनते हैं, वैसे नहीं। क्या बात है। अच्छा, अब चुनाव है, क्या लग रहा है, हवा किधर है, माहौल क्या बता रहा है? कुछ नहीं कह सकता चुनाव के बारे में। ये अपना अपना नसीब समझे। चलो, आप किसकी तरफ हो, आप किसको वोट डालोगे, जनता क्या चाहती है? ये जनता के बारे में मैं किसी का मन का हाल, किसी की जेब का हाल नहीं बता सकता हूँ। जो बात कहना साफ। अच्छा। हाँ जी, मेरा हर बात रहता है। मंदिर बना, सबकी मदद से बना, सबके सहयोग से बना। अच्छा। इलेक्शन है, जिसकी मर्जी जहाँ वोट देगा, जिसके भाग में होगा जीतेगा। बस मैं किसी के तरफदारी नहीं। तो मोदी जी ने आपके लिए कोई काम नहीं किया? काम जो भी सरकार बनता सब कोई करता है, सब करता है। कोई ज़्यादा करता, कोई कम करता, करता सब है भाई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई सरकार खिलाफ है या गलत है। हाँ। नहीं। हाँ। क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। मैम क्या करते हैं? मैम गाड़ी चलाता हूँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल यही है, जो एक आम नागरिक है, गरीब हमारे व्यवसाय लोग, तो केजरीवाल का ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है। हाँ जी, लेकिन जेल में बंद है वो घोटाले के मामले। मैम देखो, जिसके पास सत्ता है, पावर है, उसी की सरकार है, तो यही है। अभी देखो वो क्या बोलते हैं, वो जो चंदा लोग दिए थे, और चुनावी चंदा, हाँ जी, क्लाउड बॉन्ड, वो देखो केजरीवाल ने जिसको बयान दिया उसका सबसे ज़्यादा चंदा है। उसके पीछे ईडी सीबीआई कोई नहीं है। देखो हम कंपनी मजदूरी करते हैं, तो हमारे केजरीवाल जो थे मजदूरी भी बढ़ाए, लेकिन अब उनके ऊपर वो आ गई संस्था, क्या बोलते हैं, ईडी नहीं मैम, वो नहीं, मुख्यमंत्री के ऊपर वो जो कोई परमिशन हो तो एलजी साहब, अब उनके ऊपर एलजी आ गए। बेचारे क्या करें, कहीं हाथ बांधो पैर बांधो। हमारे लोग को बिजली फ्री, पानी फ्री, बच्चे के स्कूल में देखो कितना अच्छा शिक्षा हो गया। किसी एक राज से तुलना कर दो आप सबसे एग्जैक्ट, किसी एक राज से, किसी भी सरकार से बता दो, हाँ यहाँ का है, कंपेयर कर लो, जैसे दिल्ली का है या हरियाणा का आप ले लो। हाँ। मैं यूपी का हूँ, लखनऊ का, या लखनऊ कंपेयर कर लो। हमारे भी घर के बच्चे हैं, दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाँ जी, ऑन द बेस्ट केजरीवाल, वो परेशान है सत्य है, लेकिन बाहर आएगा, आएगा एकदम। वो आप किसको वोट डालने वाले हैं इलेक्शन? केजरीवाल को डालूंगा। हाँ जी, मतलब अब दिल्ली में अगर 7 लोकसभा सीट हैं, तो आप चाहते हैं केजरीवाल आए उन सीटों पर? मैम इसमें एक ही दो नहीं। हाँ जी, तो जो कि गठबंधन है उनसे, कांग्रेस से, कांग्रेस के 3 सीट है, केजरीवाल के 4 सीट। हाँ जी, तो इसमें कांग्रेस 2 सीट निकल आएगा, केजरीवाल 4 सीट निकलेगी। हाँ जी, तो मतलब अगर मोदी के टक्कर में है तो कोई प्रधानमंत्री पद के तौर पर, तो वो केजरीवाल? नहीं मैम, अभी तो केजरीवाल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में केजरीवाल हो जाएंगे। हाँ जी, चले फिर बता दीजिए किस बारे में, क्या माहौल है? इलेक्शन, चुनाव, माहौल तो पूरा खराब कर रखा है जी मोदी जी ने। खराब कर रखा है? बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। कैसे? देश का सत्यानाश कर रखा है। आप जैसे देख रहे हैं एजेंसी को कल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। जबकि आज पहला जो मंत्री हुआ है अरेस्ट, केजरीवाल जी, जिनके लिए बाहर से भी आवाज़ें आ रही है। हाँ। जर्मन से बोला, CAA ने बोला, तो उनको इन्होंने हड़का दिया कि आप हमारे बीच में मत बोलिए। तो ये क्या है, तानाशाही नहीं है और क्या है ये? तानाशाही देश को कहाँ लेके जाएगा? तो माहौल ख़राब है, सिंपल। आपने पूछा माहौल कैसे ख़राब है, वो बता दिया मैंने आपको। तो मतलब इलेक्शंस में अब की बार मोदी जी क्या लग रहा है, टक्कर में कौन है फिर, जनता क्या चाहती है? देखो ये जनता के चाहने ना चाहने से कुछ होगा नहीं ना। हाँ। जब ये अपोजिशन को लेके कैद कर देंगे, उनके अकाउंट फ्रीज कर देंगे। देखो मुझे नहीं मतलब कौन सी सरकार आ रही है, मुझे मतलब है कि जो सरकार आए, जो आए वो अच्छा करे देश का, जो अच्छा भला करे। मोदी जी कुछ भला नहीं कर रहे, जो अगर वो काम हो भी रहे हैं, दैट इज़ अ नीड ऑफ द टाइम, वो कुछ नहीं कर रहे, नीड ऑफ द टाइम, ब्यूरोक्रेसी कर रही है काम। इससे अलावा क्या बोली, पूछिए और। तो अब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए ये तो जनता समय बताएगा, प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। हाँ।
लेकिन अगर बनेंगे तो हमें लगता है कि अच्छा काम होगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, कौन उनको टक्कर दे एज अ पीएम फेस के तौर पर? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने आपको पहले ही अभी बोला है, जो आए वो अच्छा काम भला करे देश का, लोगों के बारे में सोचे। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बहुत ऐसे लोग हैं अभी। मैम, कोई भी सही नहीं है, एक पढ़ा लिखा इंसान है केजरीवाल, अगर उसको मौका मिले, और मैं चाहूँगा कि एक दिन वो देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसा बनना चाहिए प्रधानमंत्री, जो उसने एज अ सीएम जो उसको मिली पावर, अगर तो उसको काम करने नहीं दिया, जो एलजी उन्होंने काम करने नहीं दिया, जो उनको पावर मिली उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पर अगर आपका एक्सीडेंट हो गया सड़क के ऊपर, आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल दीजिए, खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अगर आपके पास हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आप जाते हो और आपकी बीमारी का लंबा टाइम लगेगा और वहाँ पर समय नहीं है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर आपको इलाज होगा, दिल्ली सरकार खर्चा देगी। अगर आपका बस के अंदर, आप देखिए हर एक जगह एक गार्ड लगा हुआ है, बस के अंदर जो हादसे होते थे वो बंद हो गए, तो जो दिल्ली सरकार एज ए चीफ मिनिस्टर जो काम उनको करना चाहिए हेल्थ के लिए, स्कूलिंग के लिए, वो उन्होंने किया। मतलब अब की बार आप चाहते हैं अगर आगे चल के, भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने तो केजरीवाल बने, या केजरीवाल जैसी सोच का ही इंसान बने। मोदी जी अभी नहीं है, मोदी जी वो इंसान नहीं है, और अभी वो मेरे ख्याल से कोई ऐसा है ही नहीं। मोदी जी बहुत ज्यादा करप्ट है। कैसे? सारा काम अच्छा करा बीजेपी ने इस बार। क्या क्या काम? जैसे रोडे बनवाना। और मेरे हिसाब से इस बार आनी चाहिए बीजेपी, आनी चाहिए। क्या लग रहा है, कोई टक्कर में है? नहीं, क्या टक्कर में कोई नहीं? यार, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, नहीं है कोई टक्कर, बीजेपी ही आएगी इस बार, बीजेपी ही आएगी, और आगे 15 साल भी यही चलेगा। 15 साल भी चलेगा। यस, 400 पार, मतलब अब की बार जो बीजेपी बोल रही है सही बोल रही है। हाँ जी, जनता सपोर्ट कर रही है। लोकसभा चुनाव है अब, क्या लग रहा है, हवा कहाँ है बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ है। हाँ जी, क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी ने? नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करा बेहतरीन करा, राम मंदिर बनवाया, 317 तोड़िए, सब में भगवान का चिराग जलवाएं, हमारी तरफ से तो उनकी सपोर्ट है। टक्कर में कोई नहीं है क्या? नहीं, टक्कर में कौन आएगा? राहुल गांधी आ सकते हैं, केजरीवाल? कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं, आसपास भी नहीं। आसपास भी नहीं। हाँ, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। हाँ जी, 400 पार है आपकी बार बीजेपी का। हाँ जी, और ज़्यादा होने चाहिए, डबल होने चाहिए। हमारी तमन्ना, हमारी दुआ है, इसलिए कह रहे हैं आप। लोकसभा, क्या लग रहा है, हवा कहाँ है? हवा जो है अभी तो देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का जो है नेता, बड़े नेता जो है अभी भ्रष्टाचार के आरोप में, केजरीवाल जी भी जो है हमारे, वो भी अंदर ईडी ने कर रखी है। अब इसमें ये लग रहा है अभी कुछ पब्लिक का ऐसा नहीं है मन, कब पब्लिक किधर चली जाए नहीं चली जाए इसके बारे में अभी पूरी तरह से कोई ये नहीं कर सकते कि किस तरफ हवा चल रही है। अच्छा, आप ये बताइए, आप किसके साथ हैं, क्या लग रहा है आपकी बार, किसकी सरकार आप चाहते हैं, किसने अच्छा काम किया है? देखिए, सरकार तो बीजेपी भी अपनी जगह पे अच्छे काम कर रही थी आज से 7 साल पहले, और अब जो काम हो रही है, पहले से काम जो हो रही है अभी हो रही है, लेकिन उतनी सही तरीके से नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या है, केजरीवाल जी का भी नया नया MCD में भी चुनाव जीते हैं उन्होंने, ठीक है, MCD में चुनाव जीतने के बाद MCD की हालत अभी इतनी ख़राब हो रखी है कि जगह जगह रोड पे, अभी मायापुरी चौक चले जाइए वहाँ पर रोड पे पानी निकल जाती है, कभी पता चलता है कि सीवर जाम है। अब मतलब MCD को भी पूरी तरह से उन्होंने अभी समझा नहीं है कि कहाँ से क्या करना है, कैसे क्या होगा, और ऐसे तो उन्होंने MCD में जीत गए हैं। केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने थोड़ा प्रपोजल जो हैं महिलाओं को और जा कर के आपका ये MCD में जो थोड़ा बहुत काम हो रही है, अभी नया नया एक और उन्होंने घोषणा किया है कि हर एक महिलाओं को जा कर के 1000 रुपये महीने मिलने हैं, हाँ, उसके लिए ये एक तरह का हो सकता है राजनीतिक प्रोपोगेंडा हो, या हो सकता है कि इसे ये केजरीवाल अनलिमिट ऑनलाइन ऑन टाइम तक कर दे। ठीक है, अच्छा मुझे सीधा सीधा ये बताइए, आप क्या चाहते हैं आपकी बार, आप किसको वोट डालेंगे चुनावों में? देखिए, हम तो वोट हमारा जो है बीजेपी है, हम शुरू से ही बीजेपी को डालते हुए आ रहे हैं, हमारा ऐसा कोई प्रोपोगेंडा नहीं है,
चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, जो हमें सुविधा लग रही है जिसके साथ, उसके साथ हम हैं। चलिए ठीक है। देखिए, हम लोग दिल्ली के मायापुरी में मौजूद थे, जहाँ पर आम जनता की क्या राय है ये जानने की हमने कोशिश करी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, चर्चा जो है वो हर तरफ है। और जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर लोग जो बोल रहे हैं वो केजरीवाल के सपोर्ट में भी बोल रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप श्रेष्ठ भारत ज़रूर देखते रहिए। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।